नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त फौजिया कसूरी साहिबा मौजूद हैं। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि एक्सपो में तशरीफ़ लाई हैं, क्या कहना चाहेंगी एक्सपो के बारे में, और जो यहाँ पे जो वुमेंस, यहाँ पे इनकी जो वुमेंस बींग है उसके बारे में क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया जी। ये जो लंदन के अंदर पाकिस्तान एक्सपो हो रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से बहुत सी खवातीन जो वहाँ की विमेन चेंबर्स के साथ में इन्वॉल्व्ड हैं, ट्रेड करती हैं, बिजनेसेस करती हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं उनकी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए। आप देख सकते हैं, माशाल्लाह, मैं तो एज़ ए पाकिस्तानी इस चीज़ पे इतना फ़ख्र करती हूँ कि हमारे इतने बेहतरीन आर्टिजान्स हैं, हमारे मुल्क के अंदर इतना बेहतरीन काम होता है और हाथ से किए हुए हैंडवर्क की बात ही और होती है। ज़रूरत रियली इस चीज़ की है कि हुकूमत के सतह के ऊपर, मैंने हमेशा ये बात कही है कि बहुत इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि जितनी ब्यूटी और जो हैंडीक्राफ्ट्स पाकिस्तान से निकल रहे हैं वो दुनिया में नज़र आने चाहिए। ये एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। मैं ख़ुद यहाँ पर साउथ पंजाब का जो चेंबर ऑफ कॉमर्स फॉर वुमेन है, उसको उसकी प्रेसिडेंट मिसेस शीरीन खान हैं और मैं उसकी बोर्ड मेम्बर हूँ। मैं इस डेलीगेशन के साथ यहाँ मौजूद हूँ, हमारा भी यहाँ स्टॉल है। तमाम हाथ के काम हैं, इतनी खवातीन जो बिज़नेसेस में हिस्सा लेती हैं, दिस इज़ वेरी हार्टनिंग। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी इकॉनमी के लिए, ज़रूरी है कि उसके अंदर ख़वातीन का बहुत ही मजबूत किरदार होना चाहिए, जिसके लिए ख़वातीन के जो बिजनेसेस हैं, ख़वातीन की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बहुत प्रमोट करने की और फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। आपके जो पाकिस्तानीज़ हैं तमाम दुनिया के अंदर, ज़बरदस्त लोग हैं। मैंने सारी ज़िंदगी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ काम किया है। उनका जज्बा, उनकी वतन के लिए मोहब्बत, कभी वो पीछे नहीं हटते हैं। और जर्मनी के अंदर जो लोग हैं, आपने क्योंकि मुझसे ख़ास तौर पे जर्मनी के लिए कहा, तो मैं उनको यही पैगाम दूँगी कि जिंदाबाद, जहाँ जहाँ आप रह रहे हैं, डू द बेस्ट दैट यू कैन। आप हर लिहाज से आप लोग अपने मुल्क के एम्बेसडर्स होते हैं। आप जिस जिस भी मुल्क में हैं, लोग आपको पाकिस्तानी समझते हैं। आपके कॉन्डक्ट से, आपके अपने अमाल से जो आप सोसाइटी के अंदर काम करते हैं, वो लोग जज करते हैं कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है। और पाकिस्तान ब्यूटीफुल मुल्क है और आप बहुत ब्यूटीफुल लोग हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।